मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, किस सन के अंदर। तो 2018 में 26 सितंबर 2018 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान सरकार विधिवत रूप से भामाशाह का पुनः आरंभ कब किया गया। राजस्थान सरकार विधिवत रूप से भामाशाह का पुनः आरंभ किया गया था 15 अगस्त 2014 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हो तो कौन सी योजना आरंभ की गई। बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हो तो एक योजना प्रारंभ की गई थी सरकार के द्वारा, उस योजना का नाम आपको बताना है, ग्राम सारथी योजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राजस्थान में रोपवे के लिए चर्चित दूध तलाई कहाँ पे है। राजस्थान में रोपवे के लिए एक फेमस दूध तलाई स्थान है जो कि कहाँ पे है, ये उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का सवर्ण काल कहा जाता है। उस शासक का नाम आपको बताना है जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का सवर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर बताना और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगी आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में देना। तो इसका सही उत्तर रहेगा बिसलदेव चतुर्थ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज का राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान की किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का उस समय शासक कौन था, हमीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, अजय राज ने। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा या फिर संस्कृत महाविद्यालय जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पे हम बात करें विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या फिर तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण जो कि किसके द्वारा करवाया गया, विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, त्राइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। त्राइन का दूसरा युद्ध था जो कि किन किन के बीच में लड़ा गया था। त्राइन के प्रथम और द्वितीय दोनों के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करें त्राइन का दूसरा युद्ध जो कि किन के मध्य लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे। एक घर के अंदर एक साथ 6 चूल्हे मिले थे जो कि सो की किस पुरातात्विक स्थल पे मिले थे जो कि आहड़ के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ पे स्थित है। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ पे है, तो ये बिज की पहाड़ी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो सैंधव लिपि का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले के अंदर, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लोहे अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर लोहे अयस्क को लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ पे मिली थी। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हैं सब्सक्राइब करके घंटी को आज ही दबा लेना। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर देना, देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। तो लोहे अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां जो कि सुनारी में मिली थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए थे वह कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम सिक्के जिन्हें किन नाम से जाना जाता है, आहत मुद्राएं, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है काली चूड़ियां, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पृथ्वीराज की अल्पायु से शासन का प्रबंधन कौन करता था। पृथ्वीराज की कम जो है बहुत कम उम्र थी, उस समय शासन का प्रबंधन कौन करता था, उनकी माँ कपूरी देवी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था जयचंद, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, चौहान वंश का पहला शासक कौन था। चौहान वंश का पहला शासक था वासुदेव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है तिलवाड़ा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ पे मिले थे। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ पे मिले थे, बयाना के अंदर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की थी जैन श्रावक लोलक ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में एक शिलालेख फेंका गया था, उस शिलालेख का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो उसे मान मोरी का शिलालेख भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है बढ़ले का शिलालेख, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अभी हम बात करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो अभी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, देखते कितने बच्चे सही इसका उत्तर दे पाते हैं। सातवीं शताब्दी से अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी। सातवीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आपको बताना है। और ये भी बताना है कि 25वें से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट और राय सुझाव देना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है लाइक कर देना, और लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लेना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।